वकील अनुपमा में आध्या अपनी माँ के खिलाफ जल्द ही कुछ ऐसा करेगी जिसकी किसी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सीरियल के मंगलवार के एपिसोड के आखिर में ये दिखाया गया कि अनुपमा सुपरस्टार शेफ की तैयारी में लगी होगी, जब अनुज उसके लिए एक खास डायरी लेकर आएगा। इस डायरी में सभी इंडियन डिशेज और यूनिक रेसिपीज लिखी है। अनुज अनुपमा को इस डायरी को फाइनेंस की तैयारी के लिए देगा। अनुपमा अनुज की दी हुई इस डायरी को अर्जुन को दिए हुए धनुष के समान मानकर कंपटीशन की तैयारी करेगी। अनुपमा कहेगी कि मैं इस डायरी को कंपटीशन में जाने से पहले पूरी पढ़ूंगी। यही बात पास में खड़ी आध्या सुन लेती है और फिर कुछ ऐसा करेगी जिससे सभी के होश उड़ जाएंगे। प्रोमो वीडियो में दिखाया गया है कि अनुपमा की डायरी पढ़ने से पहले ही आध्या उसे फाड़ देगी और वो इस डायरी के टुकड़े टुकड़े कर देगी कि कहीं अनुपमा अनुज की मदद से जीत ना जाए। आध्या नहीं चाहती कि उसकी माँ किसी भी हालत में कंपटीशन जीते ताकि अनुपमा को खुश होने की कोई वजह ना मिल जाए। आध्या के इस काम से फैंस की नज़रों में आध्या जल्द ही नफरत के शिकार बनने वाली है। वहीं दूसरी ओर ये दिखाया जाएगा कि अनुपमा को अभी भी अपनी बेटी की फिक्र है। सीरियल के प्रोमो में दिखाया गया कि अनुपमा जब डांस क्लास जाएगी तो यशदीप की दोस्त उससे कुछ ऐसा बोलेगी जिससे वो सोचने पर मजबूर हो जाएगी, क्योंकि दिया उसे ये बताएगी कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे आप दोस्त क्यों ना बन जाए, लेकिन सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। उसकी यही बात से अनुपमा सोच में पड़ जाएगी कि उसके प्यार ने तो पूरे 26 साल इंतजार किया। वो पूछेगी कि एक तरफा प्यार करने वाली शादी चल पाएगी, अगर नहीं तो क्या आध्या के लिए ये उससे बड़ा शौक नहीं होगा। जब अनुपमा में आगे हमें ये देखने को मिलेगा कि क्या अनुपमा अपने प्यार को वापस पाएगी या फिर अनुपमा अपनी बेटी की खुशी के लिए सौंप देगी अपने प्यार को श्रुति को सिर्फ आध्या की खुशी के लिए।